छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा विकासखंड बतौली अंतर्गत ग्राम पंचायत तरागी, जिसमें जरहाडी और बीजापारा दो आश्रित ग्राम शामिल हैं। यहां राशन दुकान तरागी गांव के पंचायत भवन में संचालित होती है। यहां जरहाडी गांव के लोगों को 10 किलोमीटर की दूरी तय कर आना पड़ता है, जिससे लोगों का पैसा और पूरा दिन बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बीच के गाँव बीजापारा में पूर्व PDS गोदाम निर्माण कार्य शुरू हुआ था, पर आज तक पूरा नहीं हो पाया है। अगर यहाँ राशन मिलना शुरू हो जाए तो तीनों गांव को बराबर दूरी तय करनी पड़ती, जिससे लोगों को सुविधा होती। जी, अभी जैसे हम आपके सोसाइटी में जहाँ पे आप राशन दे रहे हैं वहाँ पे हैं। यहाँ पे गांव वालों का कहना है कि हम जरहाडी से आते हैं, दो गाँव का एक ग्राम पंचायत है। जरहाडी वाले कहते हैं कि हम यहाँ से आते हैं तो 10 किलोमीटर दूर हमको पड़ता है। हाँ, जरूर पड़ता है। तो जैसे वहाँ उतना दूर से लोग आते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं होता? काहे नहीं होगा, क्या परेशानी हो रहा है। गाड़ी ले लेके आ रहे हैं, मतलब वहाँ पर होता ना बीजापारा में तो नज़दीक हो जाता। तो बीजापारा में कैसे, वहाँ पे सरकारी बिल्डिंग है क्या? बिल्डिंग बन रहा है, तो बना नहीं है, 2 साल से अधूरा है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्कूल परिसर के भीतर आप लोगों का ये गोदाम है, पंचायत भवन है, जहाँ पे आप लोग राशन बांटते हैं। तो स्कूल प्रबंधक को दिक्कत नहीं होता है? काहे नहीं होगा, हो रहा है। क्या दिक्कत होता है बताइए तो? अब बच्चे सब गाड़ी में टकरा जाएंगे तो भाई हम लोग का गुरुजी का जिम्मेदारी होगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम लोग बस बीजापारा में रहना चाहिए। उससे वही आते हैं ना मोटरसाइकिल में तो कभी दुर्घटना हो सकता है, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में। तो सर आप क्या चाहते हैं? क्योंकि ये गोदाम घर है नहीं, ये पंचायत भवन है, इसके बावजूद यहाँ पर गोदाम घर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर व्यवस्था हो तो दूसरी जगह। इस वीडियो को देखने वाले साथियों से मेरी अपील है कि सरगुजा कलेक्टर रितु सेन, जिनका मोबाइल नंबर 9424284600 है, उनको फ़ोन करें और इस निर्माण कार्य की तत्काल जांच कराते हुए निर्माण कार्य शुरू कराने की अपील करें, जिससे ग्रामीणों को सुविधा हो। मैं प्रकाश गुप्ता, सरगुजा छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।